हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्लस टू के पहले यूनिट से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्जेस लाइंग एट रेस्ट। तो जो चार्जेस हैं रेस्ट पे पड़े हुए हैं उनको स्टडी करना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लाइट को स्टडी करना मींस ऑप्टिक्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज को स्टडी करना लाइंग एट रेस्ट। ये टॉपिक जो स्टार्ट है वो पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट है, और पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सबसे पहले कहां से स्टार्ट है? देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। क्योंकि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन चार्जेस से होगा। दो किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी। कहीं ना कहीं किसी भी एलिमेंट में अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोलते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से अगर किसी के पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बोलते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो दो किस्म के चार्जेस हैं। तो जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ चार्जेस के अंदर यही एक्सप्लेन किया गया है कि चार्ज का ओरिजिन कहाँ से हुआ। चार्ज का ओरिजिन यहीं से हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन से तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज। सो मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसके तीन मेथड हैं। पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि आप किन्हीं भी दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पीस ऑफ सिल्क लें और ग्लास रॉड लें, आप इन्हें रब करें। जब इन्हें रब किया जाएगा तो आप ये देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सिल्क के अंदर चले गए। तो सिल्क के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ग्लास रॉड के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई। तो जब डेफिशिएंसी हुई तो पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। तो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है कि पीस ऑफ वूल एंड एबेनॉइट रॉड। तो अगर आप एबेनॉइट रॉड लें और पीस ऑफ वूल लें, इन्हें आपस में रब करें, तो इलेक्ट्रॉन्स इस वूल से निकल के एबेनॉइट रॉड में जाएंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले तो यहां पर डेफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज अटेन हो गया, और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रब करने से क्या हुआ? रब करने से हमने एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन्स को, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में मूव करते हैं। अब क्वेश्चन अगला ये अराइज होता है कि क्या ये पेन और ये शर्ट को अगर मैं रब करता हूं तो क्या इस पेन पे या शर्ट पे चार्ज आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। कुछ बॉडीज की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल कर जाते हैं, और कुछ बॉडीज की टेंडेंसी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ये टेंडेंसी नहीं होती, उनको उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती कि वो ट्रांसफर कर सकें। तो इसलिए हर एलिमेंट या कोई भी दो बॉडीज को रब करके आप चार्ज डेवलप कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है। हाँ, इन केस में ये टेस्टेड है कि ग्लास रॉड और सिल्क का कॉम्बिनेशन ऐसा प्रोड्यूस करता है, एंड सिमिलरली वूल और एबोनाइट रॉड भी, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है जो कि चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। जो सेकेंड मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका मतलब है किन्हीं भी दो बॉडीज को आप कॉन्टैक्ट में लेके आए और चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो बॉडीज हैं, दो कंडक्टर्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव 10 यूनिट चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव 10 यूनिट चार्ज है। नेगेटिव का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब डेफिशिएंसी है। तो जितनी डेफिशिएंसी है उतना ही एक्सेस है दूसरी बॉडीज पे। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आऊं एंड दे आर कंडक्टर्स, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल के डेफिशिएंट बॉडी के जो डेफिशिएंसी है उसको क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर मुझे दो बॉडीज को रब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप ये देख सकते हैं
कि दो बॉडीज को बस मैंने कॉन्टैक्ट में लेके आया, दो कंडक्टर्स को कॉन्टैक्ट में लेके आया और चार्ज मूव किया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो हम बोलते हैं दिस इज द मेथड जिससे कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करता है, मेथड ऑफ कंडक्शन। तो किसी भी तरीके से अगर आप दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आए और एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पे आ जाए बिना रब किए, हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन की खास बात क्या, कंडक्शन की खास बात यह है कि दो बॉडीज को आप कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे ताकि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, बिना टच किए दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाए बिना किसी भी एक बॉडी के ऊपर अपने आप चार्ज का पैदा होना, इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉडी लूं और उस बॉडी के सामने दूसरी बॉडी रख दूं और इन्हें कॉन्टैक्ट में ना लेके आऊं, पहली बॉडी के ऊपर चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर अगर ऑटोमेटिकली अपने आप चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है बिना कॉन्टैक्ट में लाए, तो हम बोलते हैं दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो हम बोलते हैं सेकेंड बॉडी पे चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको एक बार समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है विच इज अ चार्ज्ड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। आप पूछेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहां से चार्ज होके आई, फ्रिक्शन से आई, कंडक्शन से आई, कैसे आई, मेरी हेडेक नहीं है। कैसे भी लेके आओ उससे कोई फर्क नहीं है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से चार्ज लेके आए, क्योंकि मैं इंडक्शन के प्रोसेस में एक और बॉडी को लेके आने वाला हूं। तो मान लेते हैं यहां पर एक सामने कंडक्टर पड़ा हुआ है, सामने आप एक चार्ज बॉडी लेके आए। आप ये देखेंगे जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके सामने लेके आएंगे कंडक्टर के, तो बाय इंडक्शन होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि ये कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आ गए और इस तरफ क्या प्रोड्यूस हो गई इस कंडक्टर में, डेफिशिएंसी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इस कंडक्टर के पास जब लेके आए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इस पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, अट्रैक्ट किया, और ऑपोजिट साइड पर डेफिशिएंसी हो गई और पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये आप इस एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि मैंने इन दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आया, और क्योंकि मैं इन दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आया तो हम क्या बोलेंगे कि इस बॉडी पर क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस रॉड को यहां से हटा दूं, दूर ले जाऊं, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इस डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे और ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी को कंप्लीट करते हैं और बॉडी फिर से न्यूट्रल। अब जब तक रॉड सामने पड़ी हुई थी तो हमने देखा कि यहां पर चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, जैसी रॉड चली गई बॉडी फिर से क्या होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैं ये चाहता हूं कि बॉडी परमानेंटली चार्ज रहे, ये जो बॉडी है इसके ऊपर परमानेंट चार्ज आ जाए। तो परमानेंट चार्ज लाने के लिए, और वो भी इंडक्शन के थ्रू, बिना किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाने के बिना अपने आप चार्ज इसमें परमानेंटली आ जाए, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, राइट, अर्थिंग। अब ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जो अर्थ है, अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है। अर्थ, हमारी जो अर्थ है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और यह माना जाता है कि इसके अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस हैं, आयंस हैं, और इनफाइनाइट नेगेटिव चार्जेस हैं, आयंस हैं। कितने, दोनों इनफाइनाइट, सच दैट दोनों एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल करते हैं और ओवरऑल चार्ज अर्थ पे क्या माना जाता है, जीरो। इसीलिए बोला जाता है अर्थ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो अर्थ न्यूट्रल है। अब अर्थ का अगर कॉन्सेप्ट को सीखना है, हमारे घरों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आपने देखा होगा उनमें अर्थिंग की जाती है।
घरों में जब बिल्डिंग या घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई नई कंस्ट्रक्शन होती है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल वाले जब काम करते हैं तो उसमें तीन तारें यूज करते हैं, तीन किस्म की वायर्स यूज करते हैं। दो वायर किसी भी कलर की होती हैं लेकिन एक वायर हमेशा ग्रीन कलर की होती है, और जो हरे रंग की तार है, ग्रीन कलर की वायर है, उसको हम अर्थिंग की वायर बोलते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कूलर है या कोई मशीन है जो मेटल की बॉडी से बनी हुई है, कभी कभी जो उसको स्टार्ट किया जाता है या जो चल रही होती है, कभी कभी वो शॉक मारना स्टार्ट कर देती है, करंट मारना स्टार्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट चल रहा होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब उसमें करंट दौड़ रहा होता है, चार्जेस हैं। चार्जेस क्या करते हैं? मेटल की बॉडी के ऊपर इंडक्शन से चार्ज पैदा कर देते हैं। आप सोचो ना, एक अंदर मशीन चल रही है, अंदर चार्जेस हैं, मेटल की बॉडी है, तो मेटल की बॉडी की तरफ अंदर या बाहर चार्जेस पैदा हो जाते हैं, और अगर हम उस मेटल की बॉडी को टच करें हमें शॉक लग सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें उस मेटल की बॉडी की अर्थिंग कर देते हैं। अर्थ करने से चार्ज अर्थ में चला जाता है और बॉडी ओवरऑल क्या रहती है? न्यूट्रल। क्योंकि अर्थ जिसे भी टच करेगी वो अर्थ का पार्ट बन जाएगा। अर्थ क्योंकि न्यूट्रल है, वो बॉडी भी न्यूट्रल हो जाएगी। अब ऐसा होता कैसे है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि आपके पास कोई भी एक चार्ज बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इमेजिन करें कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहता हूं परमानेंटली, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसकी अर्थिंग कर दूंगा। ये जो निशान है ये अर्थिंग का निशान है। अर्थिंग बोल सकते हैं, ग्राउंड भी बोल सकते हैं। हमने ग्राउंड कर दिया या अर्थ कर दिया, एक ही बात है। तो हमने इसको अर्थ या ग्राउंड किया, क्योंकि अर्थ के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अर्थ क्या करेगी, जैसे से कॉन्टैक्ट में, अर्थ के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो वो ये चाहेगी कि जो बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में आए वो भी अर्थ का ही पार्ट है, तो वो बॉडी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। कैसे? अर्थ के पास इनफाइनाइट नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अर्थ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर से सप्लाई करेगी, और अर्थ को तो फर्क पड़ता नहीं, अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉन को दे भी देगी, इनफिनिटी में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले भी गए, फर्क तो पड़ा नहीं। तो अर्थ क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगी, और अर्थ जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी तो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देगी, एंड फाइनली ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अर्थ जिस भी बॉडी को टच करेगी वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। तो क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज था, तो अर्थ ने क्या किया, इसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किया, और इलेक्ट्रॉन जो सप्लाई किए उसने इस बॉडी की डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। अब अर्थ भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और अर्थ के कॉन्टैक्ट में कंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, लेट अस सपोज कि हमारे पास इस बॉडी के ऊपर सपोज नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैं इस नेगेटिव चार्ज को कंप्लीटली खत्म करना चाहता हूं, और बॉडी को क्या चाहता हूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो इसके लिए मैं इस बॉडी को क्या कर दूंगा, ग्राउंड या अर्थ कर दूंगा। जैसे मैं इसे अर्थ करूंगा तो क्या होगा, अर्थ के पास, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अर्थ चाहेगी कि जो भी बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में आए वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो अर्थ क्या करेगी, इस बार कोई चार्ज को सप्लाई नहीं करेगी, अर्थ में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ये सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चले जाएंगे, और जैसे अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी। तो अर्थ जिसके साथ टच हो जाए, या किसी भी बॉडी को अगर अर्थ किया जाए, अर्थिंग की जाए, तो वो बॉडी भी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज उसमें से चला जाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। हम इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं अपने इंडक्शन के अंदर। जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आए, आपने इसके सामने एक कंडक्टर को रखा, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स सब लेफ्ट की तरफ आ गए क्योंकि अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बराबर क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, ये लो ये डेफिशिएंसी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब इस रॉड को दूर लेके जाते थे
तो ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती थी, और मैं ये चाहता हूं कि बॉडी के ऊपर परमानेंटली चार्ज रहे, तो इस बार मैंने इसे क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। जब मैंने अर्थ किया, ग्राउंड किया, तो अर्थ ने यहां पर डेफिशिएंसी देखी, तो अर्थ ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई किया और इस डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया। ये देखो, इस डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो गया। आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज भी तो फ्लो करेगा इसमें, नहीं करेगा या नहीं कर पा रहा। अर्थ तो चाहती है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अर्थ ने इसको टच कर दिया या हमने इसे अर्थिंग कर दिया, तो ये अर्थ चाहेगी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को यहां फ्लो करना पड़ेगा। पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं मूव कर पा रहे, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने खींच के रखा हुआ है, तो वो अर्थ में जा नहीं पा रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अर्थ को भी हटा देते हैं, क्योंकि अगर रॉड को हटा दिया मैंने पहले, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे। पर अगर मैं अर्थिंग को हटा देता हूं और फिर इस रॉड को भी हटा देता हूं, ये देखो मैंने पहले अर्थिंग को हटाया, फिर मैंने इस रॉड को भी हटा दिया, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, जाएंगे कहां, रहेंगे तो सरफेस के ऊपर, क्योंकि उधर से अर्थ चली गई, इधर से रॉड चली गई। तो आप ये देखेंगे कि ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फाइनली इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और परमानेंटली इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने एक चीज देखी कि हम एक रॉड को जब इसके सामने लेके आए, तो और अर्थिंग की हेल्प से पहले अर्थ किया, फिर अर्थ को हटाया, फिर रॉड को हटाया, ये बॉडी इनिशियली जब लाई गई थी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, पर अब बाय इंडक्शन बिना किसी टच किए, रॉड को टच किए बिना, इसके ऊपर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम बोलते हैं दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन के अंदर दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आए, रॉड और कंडक्टर को हम कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास तीन तरीके हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। पहला तरीका बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन, तीसरा बाय इंडक्शन। आप किसी भी तरीके से बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं। ये चार्ज प्रोड्यूस करने का ओरिजिन या चार्ज प्रोड्यूस करने के तरीके हैं। अब चार्ज प्रोड्यूस हो गया, राइट? अब इस केस में चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने देखा। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर ये वही एग्जांपल जो मैं समझा रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। ये एनसीईआरटी में भी आता है, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर यह बताया जाता है कि यह एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ सर्टन मिनिमम चार्ज के इक्वल ही होगा। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, कोई भी बॉडी है ए, कोई भी बॉडी है बी। मान लो ए ने अपने चार इलेक्ट्रॉन्स को बी को दे दिए, तो इसके पास कितना चार्ज आ गया, डेफिशिएंसी प्लस 4e। इसके पास कितना चार्ज आ गया, माइनस 4e, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब ये तो नहीं हो सकता कि ए बॉडी से बी बॉडी में चार की जगह 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएं, 5.5 हो जाएं, 4.5, 5.5, 4.25, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज या इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो होंगे, या तीन, या चार, या एन, फ्रैक्शन में नहीं होगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है कि इन जनरल इन दोनों बॉडीज पे अगर चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस 4e। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि
जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसीलिए चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका प्लस माइनस 4e। तो ये जरूरी नहीं है कि चार इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, ये भी तो हो सकता है कि किसी बॉडी के n इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जिस k गए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिस में गए उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी बॉडी पे चार्ज है वो n का मल्टीपल है, दैट इज n इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी, 1, 2, 3, 4 कुछ भी होगी। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो ये आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गई। तो यही लिखा हुआ है q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, यह बताया कि इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा या दो जाएंगे या तीन जाएंगे, फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यही रीजन है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो रीजन है वो यही है, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं ट्रेवल कर सकता, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रेवल नहीं करेगा, होल नंबर में ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट है चार्ज इज एडिटिव। हाँ ठीक है, चार्ज एडिटिव है, आप किसी भी दो चार्जेस को ऐड कर सकते हैं कि q प्लस 2q 3q, सिंपल। तो चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यह बताया गया है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। आपको कहोगे चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, अभी तो क्रिएट किया हमने डेफिशिएंसी प्रोड्यूस करके, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, हमने खत्म भी किया, न्यूट्रल किया बॉडी को। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर लिखा हुआ है इन आइसोलेशन, अकेले में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पेन के ऊपर प्लस 10e चार्ज है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं इस डेफिशिएंसी को खत्म करना चाहता हूं तो मुझे कहीं से किसी दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लाके इसमें डालने ही पड़ेंगे, तभी इसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एटलीस्ट दो बॉडीज चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन को लाया जाए और डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। तो इसलिए चार्ज जो है कंजर्वेशन ये कहता है, चार्ज को बनाया नहीं जा सकता, चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता इन आइसोलेशन। हाँ दो बॉडीज होंगी तो आप चार्ज को बना भी सकते हो और आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ओनली रिपल्शन कैन कंफर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। तो दो ये भी बोला जाता है कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट फॉर अ बॉडी To check whether it is charged or not. For example, मान लेते हैं, मैं इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मान लेते हैं एक मिनट के लिए आपके पास कोई ए बॉडी है एंड आपके पास कोई बी बॉडी है, एक ए बॉडी है एक बी बॉडी है, और मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों की दोनों बॉडीज आपस में क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। अब आप मन में यह सोचेंगे कि अगर दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं तो इसका मतलब इन में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्शन होगी, डन, राइट। लेकिन ये भी तो सोचने की बात है कि आपने सपोज एक बॉडी लेके आए और ये ए बॉडी है, मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसके सामने एक कंडक्टर को रखा बी, मान लो दिस इज अ कंडक्टर, तो आपने इसके ऊपर इसके सामने कंडक्टर को रखा। अब ये कंडक्टर मान ले न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर ये कंडक्टर है। अब होगा क्या, बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर क्या प्रोड्यूस कर देगा, नेगेटिव, और इस हिस्से में क्या प्रोड्यूस कर देगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने बाय इंडक्शन क्या प्रोड्यूस कर दिया, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। आप सिर्फ एक चीज का आंसर दें कि ये दो बॉडीज आपस में क्या करेंगी, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगी, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ये दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी, ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कुछ ना एक्सप्लेन करता और आपसे ये पूछता कि दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है?
तो अब से इसके दो मतलब है। पहला मतलब कि ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दूसरा मतलब कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दूसरी बॉडी न्यूट्रल थी। जो दूसरी बॉडी है वो क्या थी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते ही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी सामने पड़ी हो, वो भी आपस में क्या करेंगी? अट्रैक्ट। तो आप ये बोल नहीं सकते कि जो सेकेंड बॉडी है इसके ऊपर कोई चार्ज था या ये न्यूट्रल थी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दो बॉडीज क्वेश्चन में कहा गया आपस में क्या कर रही है? अट्रैक्ट। तो इसके दो मतलब निकलते हैं कि एक के ऊपर तो पक्का चार्ज है ही है, पर दूसरी बॉडी पे चार्ज हो भी सकता है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इसीलिए आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि बी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी या उस पे चार्ज था। लेकिन अगर आप बात करते हो रिपल्शन की, अब रिपल्शन में क्या होगा? मान लो ए बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो बी बॉडी है, इसके ऊपर श्योर शॉट पॉजिटिव चार्ज ही होगा, 100% होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। अदरवाइज रिपेल नहीं कर सकती। तो एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कह सकता कि सेकेंड बॉडी वॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई न्यूट्रल कैसे होगी? क्योंकि दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे तभी वो रिपेल करेंगे। इसीलिए बोला जाता है रिपल्शन ही आपको कंफर्म करता है कि दोनों बॉडीज पे श्योर शॉट चार्ज है ही है। अट्रैक्शन में चार्ज हो भी सकता है और बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकती है, राइट? तो ये इसका मतलब है। इसीलिए यहां पे लिखा गया था कि रिपल्शन कैन कंफर्म दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये सब एग्जांपल यही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये कुछ नहीं करना आपने। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट मैथमेटिकली बात करते हैं। अभी तक हम चार्जेस को थ्योरेटिकली बात कर रहे थे, अब इसको मैथमेटिकली बात करते हैं। और मैथमेटिकली हम क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे दो चार्जेस में। तो दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकते हैं। चाहे वो अट्रैक्ट करें चाहे वो रिपेल करें, उनमें फोर्स तो एग्जिस्ट करेगी। तो दो चार्जेस में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो फोर्स होगी, वो जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो सबसे पहले हमें किसने बताई थी? एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कूलम। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें यह बताता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और दो चार्जेस r डिस्टेंस अपार्ट हैं आपस में, r डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो दो चार्जेस में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। चाहे अट्रैक्शन होगी चाहे रिपल्शन होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, वैल्यू ऑफ फोर्स है, वो प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस में। तो दो चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? आर का स्क्वायर होगी। तो जो फोर्स है, देखो आप कहेंगे सर साइन नहीं लिया, साइन लेने की जरूरत नहीं है, देखो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। तो कूलम लॉ में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। इन्हें अगर हम कंबाइन करें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब ये जो कांस्टेंट है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर भी किया था +1 में, उसके अंदर भी ऐसा ही था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें जो कांस्टेंट था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है कि आप फोर्स को जहां मर्जी निकालें, वैक्यूम में निकालें, वाटर में निकालें, जुपिटर पे निकालें, अर्थ पे निकालें, मून पे निकालें, तो कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थी, दैट इज यूनिवर्सल। लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्सल नहीं है। ये कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर, कि दो चार्जेस कहां पर पड़े हुए हैं। क्या वो वैक्यूम में पड़े हुए हैं, क्या वो वाटर में पड़े हुए हैं, क्या वो पेट में पड़े हुए हैं, क्या वो ऑयल में पड़े हुए हैं, क्या वो ग्लास में पड़े हुए हैं। ऐसे हजार किस्म के मीडियम्स हो सकते हैं जहां पर ये चार्जेस पड़े हो सकते हैं। तो वो मीडियम
के अकॉर्डिंगली फोर्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये जो फोर्स है इसमें जो कांस्टेंट आएगा ये मीडियम पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मीडियम वैक्यूम है और सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई है, चलो हम सिर्फ एसआई की बात करते हैं, सीजीएस की बात नहीं करते अभी। तो अगर आपका जो मीडियम है वो वैक्यूम है और एसआई सिस्टम है, तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है इसकी वैल्यू है 1/4πε0। ये जो सिंबल है, जैसे म्यू एक सिंबल था, अल्फा सिंबल है, बीटा, गामा, ये सिंबल के नाम है, ऐसे इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्साइलन, EPSILON, एप्साइलन। और नॉट का मतलब होता है कि जो मीडियम है जिसकी बात हो रही है वो वैक्यूम है, जहां पर एप्साइलन के पैर में नॉट लग जाए इसका मतलब मीडियम वैक्यूम है। तो यहां पर इस कांस्टेंट को आपने याद रखना है। तो अगर मैं कांस्टेंट इस फोर्स में कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करूं तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आती है 1/4πε0 Q1 Q2 r2। इसका मतलब अगर मेरे को कोई न्यूमेरिकल आए जिसमें दो चार्जेस की वैल्यू गिवन हो, r गिवन हो, जैसे चार्जेस 1 कूलम गिवन हो, r 1 मीटर गिवन हो, तो मैं अगर पूछूं कि फोर्स की वैल्यू क्या है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4πε0। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को याद रखना है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85×10^-12, ये याद रखना है। तो आप सोचें जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप पुट करेंगे 1/4π× 8.8×10^-12×1×1/1 का स्क्वायर आंसर आएगा। आपसे अगर ये पूछा जाए, चलो मीडियम वैक्यूम नहीं है, मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर में इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1/4πε0 water। अब यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो गई, नॉट वैक्यूम के लिए स्टैंड करता है, वाटर के लिए W लगा दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो गया, ना तो मैंने Q1 चेंज किया, ना Q2 चेंज किया, ना मैंने R चेंज किया, लेकिन मेरी जो वैल्यू है फोर्स की वो चेंज हो गई क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो गई। आप कहेंगे सर वाटर का एप्सिलॉन है क्या, मेरे को नहीं पता क्या है, वो न्यूमेरिकल पूछने वाला आपको देगा, क्योंकि मेरे लिए तो 1000 किस्म के मीडियम्स हैं, मैं हर मीडियम का एप्सिलॉन याद नहीं कर सकता, मैं वैक्यूम का याद कर सकता हूं, मैंने एक मीडियम का याद कर लिया, बाकी मीडियम्स की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अगर ये वैल्यू मैं आपको दे दूं तो आप अपना आंसर निकाल लेंगे। उसी तरीके से अगर मीडियम ऑयल है तो यहां पर ऑयल पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी, आंसर आ जाएगा। तो इन जनरल चाहे ऑयल है, चाहे ग्लास है, चाहे कुछ भी है, तो इन जनरल फोर्स का फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 m स्टैंड फॉर एनी मीडियम इनटू Q1 Q2 r2। तो ये किसी भी मीडियम का फोर्स का फॉर्मूला, और ये वैक्यूम में जब चार्जेस पड़े हुए हैं उसका फॉर्मूला, ये याद करेंगे आप। अब बात करते हैं ये एप्सिलॉन है क्या चीज। देखो जैसे सिंबल म्यू एक सिंबल है, हमने प्लस वन में किया था, म्यू सिंबल का नाम है, होता क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा हमने किया प्लस वन में। फिर मैं पूछता था ये क्या सिग्निफाई करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है, तो आप सबको पता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी है तो म्यू बड़ा है, तो वहां पर फ्रिक्शन की फोर्स बड़ी है, और अगर म्यू छोटा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटी है। उसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो सिंबल का नाम है, जैसे म्यू एक सिंबल का नाम है, एप्सिलॉन नॉट सिंबल का नाम है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि नॉट का मतलब है वैक्यूम, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। उसी तरीके से एप्सिलॉन डब्ल्यू को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकली परमिटिविटी ऑफ वॉटर, उसी तरीके से एप्सिलॉन एम को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। आप कहेंगे ये ऐसे नाम क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होती है परमिटिविटी। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है फॉर एनी मीडियम, और मैं ये बोलता हूं कि किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन बड़ा है, वैल्यू बड़ी है, तो आप ये देखें कि अगर ये वैल्यू बड़ी है, राइट, तो अगर मान लो किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन बड़ा है तो उस मीडियम में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो परमिटिविटी हमें यह बताती है, लार्जर द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी
ये वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू अगर हाई है तो फोर्स बिटवीन दी चार्जेस उतनी ही क्या आएगी, कम आएगी। ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इसमें लिखा भी हुआ है, राइट, लिखा हुआ ही देखो कि अगर एप्सिलॉन एम बड़ा है तो फोर्स चार्जेस के बीच में क्या आएगी, कम आएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हर न्यूमेरिकल में, ज्यादातर न्यूमेरिकल वैसे वैक्यूम पे आते हैं जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करना पड़ता है। अब हर न्यूमेरिकल में 1/4 पाई 8.8 × 10^-12 को डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम इस वैल्यू को याद कर लेते हैं कि 1/4 पाई × 8.8 × 10^-12 को अगर सॉल्व किया जाए तो इस पूरे चीज को सॉल्व करके आंसर आता है 9 × 10^9। इसे आप प्लीज रिमेंबर करें। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि मान लो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है और डिस्टेंस 1 मीटर है, तो आपको क्वेश्चन में निकालना है, फोर्स निकालना है दोनों चार्जेस में, जब वो चार्जेस कहां पर पड़े हुए हैं, वैक्यूम में। तो आप क्या करेंगे, आप फोर्स का फॉर्मूला लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2। तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह सीधा पुट करें 9 × 10^9। तो आप को ये पता है कि इस पूरी टर्म की कैलकुलेशन की हुई है हमने पहले से, 9 × 10^9, Q1 Q2 1 गिवन है, डिस्टेंस 1 गिवन है, सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि आप इस अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो आपको ये बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप सीधा पुट करें 9 × 10^9। नेक्स्ट है, हमने अभी जो कांस्टेंट सीखा है ना, हम सारे मीडियम की कांस्टेंट तो याद नहीं कर पा रहे, हमने वैक्यूम का तो कर ही लिया याद, वैक्यूम में ये फोर्स की वैल्यू हमें पता लग गई, वैक्यूम के अंदर ये कांस्टेंट की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर वैक्यूम की ही बात करें और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लें, सीजीएस, वैक्यूम है अगर एसआई है तो कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे ही अगर वैक्यूम है लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस है तो कांस्टेंट की वैल्यू सीजीएस में यूज की जाएगी 1, एसआई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीजीएस में सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये भी याद कर सकते हैं, हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन बुक्स में या ज्यादातर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं वो एसआई में करते हैं, पर अगर क्वेश्चन सीजीएस में करना पड़ जाए आपको ये मालूम है कि क्वेश्चन को कैसे करना है और कांस्टेंट की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पर ये भी याद रहे, अगर सीजीएस में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ गया तो चार्ज कूलम में नहीं लिया जाएगा, चार्ज किस में लिया जाएगा, स्टैट कूलम में लिया जाएगा। एसआई सिस्टम चार्ज का कूलम होता है और सीजीएस सिस्टम क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। और डिस्टेंस मीटर की जगह किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो 1 कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन भी याद करना पड़ेगा। तो 1 कूलम किसके इक्वल है, 3 × 10^9 स्टैट कूलम। तो ये जब मैं यूज करूंगा कभी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट तो मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको कि सीजीएस में हमने क्या वैल्यूज की थी, पर मेनली आपको जो याद करना है वो वैक्यूम का एसआई ही याद करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2। ये आपका कूलम लॉ है जो फोर्स की वैल्यू बताता है। और हमने अब दो चीजें की, पहली चीज हमने ये की कि वैक्यूम के अंदर अगर दो चार्जेस पड़े हुए हैं उनमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2। तो यहां पर नॉट यूज करेंगे क्योंकि वैक्यूम है। और अगर मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम के अंदर वही चार्जेस है Q1 Q2, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एम, क्योंकि बात मीडियम की हो रही है, Q1 Q2 बाय R2। तो ये फोर्स वैक्यूम में आ गई, ये फोर्स मीडियम में आ गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एम ऊपर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या रिलेशन आया, आपके पास ये रिलेशन आ गया कि दो चार्जेस जब वैक्यूम में है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, दैट इज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो
इसको अगर आप एक रेशियो को रिप्रेजेंट करें, इस रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एप्सिलॉन आर। आर का मतलब है रिलेटिव। ये वर्ड रिलेटिव क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों एप्सिलॉन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर एप्सिलॉन आर, इसको बोलते क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो अब आप ये सोचेंगे, ये तो कंफ्यूजन है कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और तीसरी एक और टर्म आ गई कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहा है कि ये इतनी सारी चीजें कैसे काम आएंगी। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली चीज, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। एप्सिलॉन आर का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। आप इतना लंबा नाम नहीं यूज करना चाहते, मत करें, एक छोटा नाम है। तो इस पूरी टर्म का एक छोटा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं ज्यादातर इसमें यूज करूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मैं यहां पर इस टर्म को बोलूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये सिंबल भी मैं कम यूज करूंगा, इस सिंबल की जगह मैं यूज करूंगा के। तो एप्सिलॉन आर या के एक ही बात है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अभी तक हमने किया तो किया क्या, हमने सिर्फ ये चीज की कि सपोज आपके पास कोई भी चार्जेस किसमें पड़े हुए हैं, वैक्यूम में, कोई भी चार्जेस किसमें पड़े हुए हैं, मीडियम में, इनकी रेशियो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट, ये रेशियो किसके इक्वल है, या तो के लिख दें या एप्सिलॉन आर लिख दें, एक ही बात है। तो आई होप ये फॉर्मूला तो एटलीस्ट सबको क्लियर है। तो पॉइंट समझ में आया कि इसकी रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ये नाम कहां से आया, ये क्या चीज है। ठीक है, आपने एक सिंबल को डिनोट कर दिया के साथ, आपने आसान कर लिया, एप्सिलॉन आर को के लिख दिया, पर रियलिटी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा कि एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड आया कैसे। ये कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्टडी करवाए जाएंगे आपको, जो एक खास किस्म के इंसुलेटर्स होते हैं। तो जब हम उस मटेरियल को स्टडी करेंगे तो ये टर्म कहां से आई, डाइलेक्ट्रिक्स, ये आपको उसी टाइम पता लगेगा। अभी फिलहाल के लिए आप बस रेशियो याद कर लें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। बस इतना याद कर लें, सफिशिएंट है। आप सोचेंगे ये किया क्यों, देखो अब मैं बताता हूं कि ये डिवीजन का काम हमने किया क्यों। और उससे पहले एक और चीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी कंडक्टर का या मेटल का इनफाइनाइट होता है, ये एक फैक्ट याद करें। मैं इस टर्म को या इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी नहीं, ये तब किया जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आपके आपके जब टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, ये तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस फैक्ट को याद करें सिर्फ। असली काम की चीज क्या है, काम की चीज ये है कि सिग्निफिकेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है क्या, हमने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, हम इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज देखें, अगर आपके पास कोई दो चार्जेस है, 1 कूलम एंड 3 कूलम, और डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में कितना है, 2 मीटर, और मैं ये बोलता हूं कि दोनों चार्जेस में आप फोर्स निकालें, और चार्जेस किस में पड़े हुए हैं, इन वैक्यूम। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने वैक्यूम में ये फॉर्मूला लिखा, इसकी जगह 9 × 10⁻⁹ लिखा, चार्ज आपको पता है 1 एंड 3, डिस्टेंस आपको पता है 2, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ये फोर्स किस में निकली, वैक्यूम में निकली। पर हो सकता है आपको कुछ सेम क्वेश्चन आए कि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन इस बार चार्ज किस में पड़ा हुआ है, इन वाटर में पड़ा हुआ है। अब निकालने फोर्स की वैल्यू, और साथ में यह भी गिवन है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है, 10। अब देखो, आपने ऊपर फोर्स निकाली थी वैक्यूम में, वैक्यूम में तो आपको वैल्यू याद ही थी, तो आपने इस फोर्स को निकाल लिया था। पर आपको इस क्वेश्चन में फोर्स किस में निकालनी है,
आपको इसमें फोर्स निकालनी है इन वॉटर, कोई बात नहीं। अब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की रेशियो को लिखें, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम, अब यहां पर मीडियम क्या है वॉटर, तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वॉटर का क्या है 10, वैक्यूम के अंदर फोर्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, वॉटर में फोर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर, ठीक। ठीक, सो फोर्स इन वॉटर कैन बी कैलकुलेटेड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट के लिए ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये नीट और मेन में बहुत बार यूज होता है, स्पेशली एक क्वेश्चन आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन में से, और यूनिट्स एंड डायमेंशन में से ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर एप्सिलॉन नॉट की एप्लीकेशन बहुत यूज होती है, तो उसको निकालना सीख लें, इसको याद तो कर नहीं सकते। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखें वैक्यूम में, एप्सिलॉन नॉट एक तरफ फोर्स एक तरफ, 1/4 पाई तो कुछ नहीं है, चार्ज क्या है, आप चार्ज को क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज है क्यू उसको लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू टाइम, इस चार्ज की जगह एम्पियर इंटू टाइम, फोर्स की जगह एमएलटी माइनस टू, डिस्टेंस की जगह एल का स्क्वायर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये याद नहीं करना, ये खुद बनाना है पेपर में, तो जब इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो कैसे बनाना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो टॉपिक था आपको कूलम लॉ की फोर्स की वैल्यू के बारे में बता रहा था, मैं आपको अब थ्योरी इतनी है, मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में कूलम लॉ लगाना कैसे है। कूलम लॉ लगाने के लिए आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कूलम चार्ज है 3 कूलम चार्ज है 1 मीटर अपार्ट, -2 कूलम चार्ज है 3 कूलम चार्ज है 1 मीटर अपार्ट, -2 -3 कूलम 1 मीटर अपार्ट। अब क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या है, फोर्स निकालो, वैक्यूम मीडियम है, तो किसी ने कहा कि पहले क्वेश्चन के अंदर आंसर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 3 / 1 स्क्वायर, वो बोलता है कि ये फोर्स की वैल्यू है। उसे पूछा गया दूसरे केस में फोर्स की वैल्यू क्या है, तो वो बोलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 3 / 1 स्क्वायर। उससे पूछा गया कि तीसरे केस में फोर्स की वैल्यू कितनी है, वो फिर से ये बोलता है 2 × 3 / 1 स्क्वायर। अब मैं ये पूछता हूं कि भाई ऐसे कैसे, आप सभी केसेस में एक जैसा आंसर कैसे देख सकते हैं, तो वो ये बोलता है कूलम लॉ ने हमें ये बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकलेगा, हमें उसके अंदर भी मॉड लगा हुआ था Q1 Q2 में, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपने लेना है तो ये मैग्नीट्यूड तीनों केस में यही रहेगा। पर सोचने वाली बात ये है, चार्जेस के साइन में तो डिफरेंस है, तो आंसर डिफर कैसे करेगा, आंसर ऐसे डिफर करेगा कि जब ये वाला आंसर लिखा जाएगा फर्स्ट आंसर, तो लिखा जाएगा यहां पर ब्रैकेट में कि ये जो फोर्स है ये कैसी है, दिस इज रिपल्सिव, रिपल्सिव, एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा फोर्स इज अट्रैक्टिव, और ऐसी माइनस माइनस चार्ज है फोर्स इज रिपल्सिव। तो अब क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है, फोर्स की वैल्यू भी लिख दी और फोर्स की जो है रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है उसकी नेचर भी लिख दी। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अब ये बिल्कुल सही तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही लें और ब्रैकेट में लिख दें फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है, बात खत्म। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी कर सकता है, ये मान लो फिर से क्वेश्चन है 2 कूलम
3 कूलम 1 मीटर, माइनस 2 कूलम 3 कूलम 1 मीटर, माइनस 2 कूलम माइनस 3 कूलम 1 मीटर। कोई ये बोलता है मैं तो ऐसे करूंगा, कैसे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू 3/1 का स्क्वायर पहली फोर्स है, दूसरे केस में 1/4πε0 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और तीसरे केस में 1/4πε0 माइनस 2 इंटू माइनस 3/1 का स्क्वायर। तो उससे पूछा गया कि ये माइनस साइन क्यों लिया, तो ये बोला जा सकता है कि यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इन्हें माइनस आंसर करके, इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, फोर्स का नेगेटिव, और इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर मींस कि दो चार्जेस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल। आप चेक कर सकते हैं पॉजिटिव तब आएगा जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा, और नेचर सेम है तो रिपल्सिव है, पॉजिटिव। और नेगेटिव तब आएगा जब एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब अट्रैक्टिव। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ऑप्शन दो किस्म के दिए जाएंगे। पहला, वो आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा और ब्रैकेट में लिखेगा अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, पहले वाला फॉर्मेट। लेकिन कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ब्रैकेट में अट्रैक्टिव रिपल्सिव नहीं लिखता, वो लिखेगा दो चार्जेस में फोर्स है -10 न्यूटन। अब माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, और उनके बीच में फोर्स क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो इनस्टेड ऑफ राइटिंग अट्रैक्टिव, आपकी बुक्स क्या लिख सकती हैं, फोर्स इज नेगेटिव, वन एंड द सेम थिंग। आपको समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव फोर्स का मतलब यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्टिव, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, रिपल्सिव। तो आप ये पूछेंगे कि मैं क्या यूज करूंगा, फॉर्मेट नंबर वन की फॉर्मेट नंबर टू, कि मैं क्या यूज करूंगा, कि फोर्स में साइन पुट करूंगा चार्ज के कि नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, मैं जब कूलम लॉ लगाऊंगा, मैं फोर्स में जब चार्जेस को पुट करूंगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करूंगा, मैं ब्रैकेट में साइड पे लिख दूंगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, मैं बीच में चार्जेस के साथ नेगेटिव नहीं यूज करूंगा। मैं इस एग्जांपल को करके दिखाता हूं, तो आप जरा ध्यान से देखें कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक चार्ज है 2 कूलम, राइट, आपके पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 कूलम, राइट, आपके पास एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू है 3 कूलम, एक और चार्ज है जिसकी वैल्यू है 5 कूलम। अब ये तो कोई जरूरी नहीं ना कि दो ही चार्ज आएंगे, चार्ज तो तीन तीन भी हो सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप नेट फोर्स निकालें इस 3 कूलम के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज, राइट। अब सोचने वाली बात यह है, 3 कूलम चार्ज को फोर्स कौन लगाएगा, इधर से 5 कूलम लगाएगा, इधर से 2 कूलम लगाएगा, तो कैसे लगाएगा। ये सब स्टैटिक चार्जेस हैं, मूव नहीं करेंगे प्लीज, सिर्फ जो है ये स्टैटिक रेस्ट पे पड़े हुए हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। कूलम लॉ ऐसे ही लगेगा, एक ये रॉड ले ली, एक रिंग ले ली, और Q1 Q2 चार्ज है, और आपने फॉर्मूला लगा दिया 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, नहीं लगेगा। क्या लगेगा ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा एक या दो लेक्चर के बाद कि इसको कैसे करना है। अभी के लिए कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए स्टडी किया जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये 2 कूलम 3 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। अब रिपेल में ये तो होता नहीं कि 2 कूलम ने 3 कूलम को अपनी तरफ बुला लिया, नहीं, इसको क्या करेगा, रिपेल। तो ये 2 कूलम 3 कूलम को फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा, 1/4πε0, मान लो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। और उसी तरीके से ये 5 कूलम 3 कूलम पे फोर्स कहां लगाएगा, रिपेल करेगा। 5 कूलम भी 3 कूलम को रिपेल करेगा।
तो क्योंकि नेट फोर्स 3 कूलम पे निकालने वाले हैं, तो सारे वेक्टर्स आपने 3 कूलम पे ही ड्रॉ करने हैं। तो 5 कूलम 3 कूलम को रिपेल करेगा इस तरफ, कितनी फोर्स के साथ, 1/4πε0 2×3/1² के साथ। तो 5 कूलम ने 3 कूलम को रिपेल किया, 2 कूलम ने 3 कूलम को रिपेल किया। अब ये क्वेश्चन वेक्टर का क्वेश्चन है, एक वेक्टर राइट है एक लेफ्ट है 3 कूलम के ऊपर। तो अगर मैं पूछूं कि 3 कूलम पे नेट फोर्स कितनी है, तो बड़ी फोर्स और छोटी फोर्स को अगर कंसिडर करें हम, सॉरी यहां पर 3 की जगह 5 आएगा ये रहा, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर 5 लगाएंगे, 5 क्योंकि 5 × और यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर 3 आएगा, राइट। तो यहां पर 5×3/1² तो अगर नेट फोर्स निकालनी है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या करेंगे, माइनस। कैसे करेंगे, ये फोर्स बड़ी है और ये फोर्स छोटी है, तो आंसर आएगा 1/4πε0 3×5/1² माइनस 1/4πε0 2×3/1² कुछ ऐसे। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि पहले ये देखें कि नेट फोर्स किस पे निकालनी है। तो नेट फोर्स किस पे निकालनी है, 3 पे निकालनी है। तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, 3 पे ड्रॉ करने हैं। कौन लगाएगा फोर्स 3 पे, 5 भी लगाएगा, इधर से 2 भी लगाएगा। 2 ने 3 को रिपेल किया, 5 ने 3 को रिपेल किया, दोनों वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को क्या करें, माइनस। अब क्योंकि ये फोर्स बड़ी है ये छोटी है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी कहां आएगी, लिखना है तो लिख सकते हैं, नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट, क्योंकि ये फोर्स बड़ी है और ये फोर्स छोटी है। तो ये इसका नेट आंसर माना जाएगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कोई ये सोचेगा कि ये 5 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये भी तो आपस में फोर्स लगा रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन माइंड में ये आएगा कि ये 3 कूलम ने 5 कूलम पे भी तो फोर्स लगाई, तो ये वेक्टर यहां क्यों नहीं ड्रॉ किया, जरूर लगाई, पर हम यहां पर वो कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें नेट फोर्स किसके ऊपर निकालने को कही गई, 3 कूलम। तो हम सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करेंगे, 3 कूलम पे, क्योंकि हमसे ये पूछा गया 3 कूलम पे नेट फोर्स क्या है। तो हम ये डिसाइड करेंगे 3 कूलम को कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगाएंगे, पहला 2, दूसरा 5। 5 ने रिपेल किया, 3 के ऊपर वेक्टर ड्रॉ किया, 2 ने रिपेल किया, 3 पे ही वेक्टर ड्रॉ किया, क्योंकि नेट फोर्स 3 पे है, सारे वेक्टर 3 पे हैं। अगर क्वेश्चन इसकी बजाय ऐसा होता, मान ले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि सपोज आपके पास फिर से यहां पर ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है एंड ये 5 कूलम है सपोज, और क्वेश्चन है कि आपको नेट फोर्स निकालनी है ऑन 2 कूलम। अब 2 कूलम कहां पर है, यहां पर है। अब 2 कूलम पे फोर्स लगाएगा कौन, 3 लगाएगा और 5 लगाएगा, क्योंकि 2 कूलम के आसपास कितने चार्जेस हैं, वो सारे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब जब हम नेट फोर्स 2 कूलम पे निकाल रहे हैं, तो हम सारी फोर्सेस कहां लेंगे, 2 कूलम पे लेंगे। सारे वेक्टर कहां पे लेंगे, 2 कूलम पे लेंगे। कैसे, 3 कूलम ने 2 कूलम को क्या किया, रिपेल किया, राइट, स्टैटिक है, मूव कुछ नहीं करेगा। 3 कूलम ने 2 कूलम को रिपेल किया, कितनी फोर्स से, 1/4πε0 2×3/1 meter, उसी तरीके से 5 कूलम ने भी 2 कूलम को रिपेल किया, कितनी फोर्स के साथ, 1/4πε0 2×5/1+1 डिस्टेंस क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई और डिस्टेंस इन दो चार्जेस में 2 मीटर है। अब दोनों फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं ये बोलूं नेट फोर्स क्या है,
तो 1/4 pi epsilon naught 2 into 5 by 2 by 1 square या 2 square sorry एंड 1/4 pi epsilon naught 2 into 3 divided by 1 square और नेट फोर्स कहां पर आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। कोई अगर ये पूछे सर 5 कूलम ने 3 कूलम को भी तो रिपेल किया, हाँ तो किया होगा ना, मेरा क्वेश्चन ही नहीं है कि नेट फोर्स 3 पे लगाओ या 5 पे लगाओ, मेरा क्वेश्चन है नेट फोर्स 2 पे लगाओ, तो मैं सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करूंगा, 2 के ऊपर ड्रॉ करूंगा। तो कुल मिला के यहां पर 3 क्वेश्चंस हैं। अगर मुझे ये बोला जाता है कि नेट फोर्स 2 पे लगाओ तो 2 के ऊपर ये दोनों चार्जेस फोर्स लगाएंगे, सारे वेक्टर 2 पे बनेंगे। अगर नेट फोर्स 3 कूलम पे पूछी जाती है तो इसकी और इसकी फोर्स, इसकी और इसकी फोर्स। अगर 5 कूलम पे पूछी जाती है तो 3 और 5 की फोर्स, तो वेक्टर 5 पे ड्रॉ किए जाएंगे अगर 5 कूलम के ऊपर नेट फोर्स है और 2 और 5 की फोर्स। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें नेट फोर्स किस पे निकालनी है। तो जिस पे निकालनी है तो सारे वेक्टर भी उसी के ऊपर ड्रॉ करने हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आपके पास फिर से एक बार 3 चार्जेस हैं, -2 कूलम, 1 मीटर, 3 कूलम एंड -5 कूलम। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 कूलम, 3 कूलम पे नेट फोर्स बताओ क्या होगी। अब क्योंकि नेट फोर्स 3 कूलम पे है तो हम सारे वेक्टर्स कहां ड्रॉ करेंगे, 3 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो। तो फॉर एग्जाम्पल -2 ने इस 3 को अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट के खींचेगा, कितनी फोर्स से 1/4 pi epsilon naught 3 into 2 by 1 का स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था कि मैं यहां पर फोर्स की कैलकुलेशन में साइन ऑफ चार्ज नहीं लूंगा, मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ही लूंगा। आप भी मत लें, मैग्नीट्यूड लें। तो आप कहेंगे सर साइन कहां गया, साइन आपको यह बता रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन कहां है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, तो ये वेक्टर ड्रॉ करने में साइन का अपना ही रोल है। तो नेगेटिव पॉजिटिव वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, यहां पर आपने कोई साइन पुट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल -5 ने 3 को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, कितनी फोर्स से किया, 1/4 pi epsilon naught 3 into magnitude of force again divided by 1 का स्क्वायर। नाउ 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेट फोर्स में बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर दें, माइनस, ये आपकी बड़ी फोर्स है, माइनस ये आपकी छोटी फोर्स है, ये ले। और क्योंकि ये बड़ी फोर्स है तो नेट आंसर कहां आएगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, तो माइनस करने के बाद नेट आंसर टुवर्ड्स राइट आएगा। तो आई होप, और हाँ आप इसे सॉल्व करेंगे 9 into 10 की पावर 9 पुट करके, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे जिसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको 2 लास्ट प्रॉब्लम और बताता हूं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे सपोज ये आपके सामने 3 चार्जेस हैं, कैसे, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है और ये 5 कूलम है, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 5 कूलम, 5 कूलम पे नेट फोर्स बताएं क्या होगी। तो 5 कूलम के ऊपर अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो सारे वेक्टर कहां पर ड्रॉ करने हैं, 5 कूलम पे ड्रॉ करने हैं। कैसे, ये 2 कूलम 5 को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल बाय अ फोर्स ऑफ F1 जिसकी वैल्यू 1/4 pi epsilon naught 2 into 5 divided by 3 का स्क्वायर। उसी तरीके से ये 3 कूलम भी 5 कूलम को अपने से दूर क्या करेगा, रिपेल, तो F2 विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 5 into 3 divided by 4 स्क्वायर। तो 5 कूलम पे नेट फोर्स है तो 2 ने 5 को रिपेल किया, 3 ने 5 को रिपेल किया। अब ये 2 वेक्टर्स हैं और 90 डिग्री पे हैं, साफ पता लग रहा है। तो नेट आंसर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो यहां से आपके पास नेट वैल्यू आएगी, तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर, बिकॉज आपस में 90 डिग्री पे है, तो सबको पता है कि रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर। एफ वन आप सोल्व कर लेना, एफ टू सोल्व कर लेना आंसर, बट क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ सकती है, तो डायरेक्शन के लिए सपोज ये एंगल ड्रॉ कर दे थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर ये F2 चल रहा है, ये F2 चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या चल रहा है, F2 चल रहा है, ये क्या चल रहा है, F1 चल रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में लिख देना tan थीटा इज F2 डिवाइडेड बाय F1, तो F2 आपको पता है, F1 आपको पता है, डिवाइड करके आंसर आएगा, तो हो मुझे पता नहीं जो भी सॉल्व करोगे आंसर आएगा, लेट अस सपोज आंसर 3/4 आ जाता है मान लो, तो आप अपना आंसर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, बट आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्वेश्चन आज का, सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है 2 कूलम, एक चार्ज है 3 कूलम, ये डिस्टेंस है 5 मीटर, या सपोज ये डिस्टेंस है 3 मीटर, राइट, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, यहां पर पड़ा हुआ है चार्ज 1 कूलम। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, तो 1 कूलम पे नेट फोर्स क्या होगी ये आपको निकालना है। तो रूल नंबर वन, 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा कौन, एक 2 लगाएगा और एक 3 लगाएगा, कैसे लगाएगा ये देखो, 2 कूलम 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जो 2 कूलम है 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कैसे रिपेल करेगा, कुछ ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है, तो 2 कूलम 1 कूलम को रिपेल करेगा। सिमिलरली ये 3 कूलम भी 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये लो ये रिपेल करेगा। थोड़ा इजी बनाने के लिए काम कर लेते हैं, सिमेट्री में चार्ज लेते हैं, ये 3 की जगह ना 2 कूलम ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा यहां पर सेम रहेगा 2, ये 2 कूलम 2 कूलम 3 3 सिमेट्री है। तो इस 2 कूलम ने 1 कूलम को रिपेल किया, 2 कूलम ने 1 कूलम को यहां रिपेल किया, कितनी फोर्स, ये 3 ये 4 मीटर, तो पाइथागोरस से ये 5 मीटर, ऐसे ये भी 5 मीटर, तो 2 कूलम ने 1 कूलम को रिपेल किया बाय अ फोर्स ऑफ 1/4πε0 2 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। सिमिलरली ये फोर्स की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम आएगी, 2 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको नेट फोर्स निकालनी है, यहां पर क्या होगी 1 कूलम पे। अब नेट फोर्स निकालने के दो तरीके हैं, अगर आप इन दोनों के बीच में मुझे एंगल बता दें तो मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर आप नहीं बता सकते कोई बात नहीं, एक और तरीका है जिसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, तो हमने प्लस 1 में किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने क्या किया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर एक काम करते हैं, इस फोर्स के कॉम्पोनेंट लेते हैं, पहला कंपोनेंट इस फोर्स का ये आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, या एक और काम करते हैं, पहले इमेजिन कर लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये भी थीटा है, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो इस फोर्स एफ के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट इस तरफ एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ एफ साइन थीटा। सिमिलरली इस एफ के भी दो कॉम्पोनेंट हैं, पहला कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा और दूसरा कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा। अब साफ पता लग रहा है कि ये वाला और ये वाला कॉम्पोनेंट एक दूसरे को क्या कर गया, कैंसल। तो इस वन कूलम पे नेट फोर्स क्या बनेगी, इस वन कूलम पे नेट फोर्स बनेगी 2 एफ कॉस थीटा। तो आई होप ये चीज क्लियर है, दो कॉम्पोनेंट तो आपस में कैंसिल कर गए, दो कॉम्पोनेंट एड हो गए, तो नेट आंसर क्या हुआ 2f cos थीटा। अब 2 इंटू
एफ की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने निकाली हुई है, 2 इंटू 1 बाय 5 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल सकते हैं जो कि कितना है 4 बाय 5। आप इसे प्लीज सॉल्व कर लें, नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। और अगर डायरेक्शन की बात करते हो, क्योंकि नेट फोर्स 2f cos theta towards राइट है, तो यहां या तो यहां लिख दें राइट या लिख दें पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये इनकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट है कूलम लॉ किया। कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस के एग्जाम्पल लिए, 3-4 एग्जाम्पल करके दिखाए। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा प्योरली न्यूमेरिकल का होगा, उसके अंदर हमने ये प्रैक्टिस करनी है हाउ टू अप्लाई कूलम लॉ ऑन पॉइंट चार्जेस। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अलग अलग एग्जाम्पल्स दूंगा, आप अपने आप क्लास में क्या करेंगे इसे ट्राई करेंगे। तो यहां तक आज सफिशियंट है, तो थैंक यू सो मच। तो हम क्लोज करते हैं आज का सेशन और नेक्स्ट टाइम फिर से शुरू करेंगे कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स के साथ।